हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट हुज़ैफ़ा एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। इस दफ़ा टॉपिक बहुत ही हॉट है और बहुत ही मशहूर टॉपिक है और एवरीबडी नोज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड इंटरनेट ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है। इस पे तो बहुत डिटेल वीडियोस मेरी आने वाली होगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी, क्योंकि बिज़नेस आइडिया में ऑनलाइन बिज़नेस आइडिया बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैनुअल और जनरल बिज़नेस आइडिया भी आपको देंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक आएगा ऑनलाइन मनी और ऑनलाइन अर्निंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के। देखिए वीडियो शुरू हो चुकी है, इसमें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में लोगों का बहुत इंटरेस्ट क्यों हो गया है कि आजकल लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, यंग जनरेशन है और ख़ास तौर पे लेडीज़ ऑनलाइन अर्निंग कर रही है। घर में जेंट्स का बिज़नेस स्लो हो गया है और लेडीज़ की ऑनलाइन अर्निंग माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है। और इसके अलावा बहुत से लोग बेचारे चाह रहे होते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिले या कुछ लोग गाइड कर दें ताकि वो भी ऑनलाइन अर्निंग कर सके, क्योंकि आजकल जो हालात है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पूरे वर्ल्ड में कोरोना के बाद रिसेशन सा हो गया है, बिज़नेस की कंडीशन बहुत डाउन हो गई है और रिटेल बिज़नेस सेक्टर काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है। इसकी एक मेन वजह थी कि ऑनलाइन ने रिटेल बिज़नेस सेक्टर को काफ़ी अफेक्ट किया है। तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या जहाँ कोई टॉपिक देखता है या इर्द गिर्द किसी से सुनता है, यार ये बंदा ऑनलाइन कमा रहा है, हम लोग फारिग बैठे हैं, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों लोगों में जेलसी है, यार मैं बताऊँगा तो मेरा कारोबार स्लो हो जाएगा, मेरे सीक्रेट से। भाई अल्लाह पाक रोज़ी सबको देगा, आप बताओगे तो उससे आपकी रोज़ी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में मेरे जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्या होता है। ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं इंटरनेट के थ्रू या कोई ऐसी कम्युनिकेशन के थ्रू, ज़रूरी नहीं है इंटरनेट हो। अगर आप फ़ोन पे भी किसी से ऑर्डर लेते हो, पहले के ज़माने में भी ऑनलाइन अर्निंग होती थी, लेकिन उसका वे ऑफ एक्सचेंज अलग था, सोशल मीडिया नहीं था। बहुत से लोग अखबार के में एड्स देते थे कि हम आपको ये घर पर डिलीवरी कर देंगे, वो भी एक ऑनलाइन अर्निंग की किस्म है कि आपने ऑर्डर लिया, फ़ोन पे ऑर्डर लिया के और उनके घर डिलीवर कर दिया। चले वो तो एक पुरानी चीज़ हो गई, अब नई टेक्नोलॉजी इंटरनेट में ये इसको क्लियर हो गया कि ऑनलाइन अर्निंग मीन्स इंटरनेट के ज़रिए अर्निंग करें। इसमें आप अब एक छोटा सा बंदा है, घर में लेडीज़ है, वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहा है, तो ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है उसको ये तो बता दिया। सबसे पहले उसको आजकल व्हाट्सअप वगैरह हर कोई यूज़ करता है, अगर आपके यहाँ व्हाट्सअप नहीं है तो फेसबुक होगा, फेसबुक नहीं है तो नॉर्मल मैसेजिंग है, लेकिन व्हाट्सअप एक कॉमन है। व्हाट्सअप तो कह रहे हैं होते हमारे पास जी व्हाट्सअप बना हुआ है, अर्निंग कैसे करें, सबसे पहले व्हाट्सअप पे ग्रुप बना लें। आप ग्रुप बना के सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग की स्टार्ट या ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्ट आपको करनी है बिगनिंग से, अपने फैमिली मेंबर्स से, इर्द गिर्द के मेंबर्स से। आप ये व्हाट्सअप पे एक ग्रुप बनाएं, न्यू ग्रुप का सेक्शन होता है, वो मैं एक डिटेल वीडियो में कंप्यूटर में जाके आपको चीज़ें समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनती है। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन में ग्रुप बनते हैं, व्हाट्सअप पे ग्रुप बनाएं, उसमें पहले अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को ऐड कर लें, ऐड करके अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को ऐड करके, अब देखिए आपका अगर किसी चीज़ का भी काम है, सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग को आप अगर आपके हस्बैंड का, अगर आप लेडीज़ है हस्बैंड का, या आप खुद जेंट्स है, या आपका इर्द गिर्द कोई भी काम है, बिज़नेस है, उसी को प्रमोट करके ऑनलाइन स्टार्ट करें, ताकि अगर आपका बिज़नेस ना भी चले तो आपके पास एक और मोड ऑफ सेल हो, पॉइंट हो, उस पर आप रीसेल कर दें। लेकिन ये है कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में सब कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लें, एक पिक्चर्स वगैरह उसकी खींचनी होती, मोबाइल फ़ोन सबके पास अवेलेबल है, मोबाइल से पिक्चर्स ले लें, सिंपल पिक्चर्स भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है, उसकी एक प्राइस लिख के अपने ग्रुप में सेंड कर लें, ग्रुप में सेंड करना शुरू कर दें मुख्तलिफ। फिर ये है कि अगर लेडीज़ होती है तो किसी रिलेटिव या जान पहचान, या अगर बाज़ार से प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स दिया है, उनसे रेट पूछ रहे भाई और ये प्रोडक्ट्स कितने का मिलेगा, अगर मैं मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं परचेज करूँ, कोशिश करें कि अपने घर के इर्द करीब मार्केट्स में चीज़ें पहले सेलेक्ट करें ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए। आपको शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सर्वे करके ला सकते हैं, अगर आप पिक्चर्स आजकल हर कोई खींचने देता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बेहतर है, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदिए नॉर्मल, आपको उस पर अगर अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट्स जो लगे, आप जैसे फ़र्ज करें आपको ऑनलाइन अर्निंग में एक प्रोडक्ट समझ आ गया, आजकल लेडीज़ सूट का बहुत ज़ोर है, चार पांच सूट की पिक्चर्स हो गई, कॉमन डिज़ाइन हो, वो मार्केट उसके पास काफ़ी स्टॉक अवेलेबल हो, ये पता कर लें आप, पिक्चर्स खींच ली व्हाट्सअप कर दिया, या बहुत से आजकल हर शॉपकीपर्स के पास पिक्चर्स व्हाट्सअप पे अवेलेबल होती है, उनसे आप पिक्चर्स अपने व्हाट्सअप पे ले लें, उनकी प्राइस अगर वो बोल रहा है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट 900 रुपये का दूंगा, सूट अनस्टिच सूट है, आपने उस पर शुरू में प्रॉफिट मार्जिन कम रखना है,
ताकि आपका कस्टमर बने। 200 रुपये प्रॉफिट रख के 1100 रुपये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दिया। फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाएंगे, एक पास लोग ये होता है फैमिली में भाई, ये कि ज़्यादा मुश्किल इर्द गिर्द भरोसे वाले लोग कोई प्रोडक्ट बोलते हैं, शुरू में तो फैमिली में ही चीज़ें बिकना शुरू हो जाती है। इससे आपकी ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्ट हो जाती है। आप 200-300 जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन परसेंटेज से पे एक बड़ी फीड है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। रख दिया, आपके ऑर्डर आने लगे। अब पहले फर्स्ट ऑनलाइन बिगनिंग में तो आपको ये करना है कि ऑर्डर आने लगे, आपने उसको जाना आना हुआ पहुंचा दिया, ये तो एक नॉर्मल ऑनलाइन हो गया कि प्रोफेशनल तरीके से नहीं। सही है, ऑनलाइन का स्टार्ट होता है, इससे आपको ऑनलाइन में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सही है, ऑनलाइन अर्निंग आपको समझ आने लगी कि ऑनलाइन बिजनेस इस तरीके का हो गया। फिर जो प्रोफेशनल वे में ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट होती है उस पर मैं आपको आज मैं आपको डिटेल स्टेप्स इतने नहीं बताऊंगा कि किस तरह होगी। एक तो एक मैंने व्हाट्सअप और एक मैं आपको बता दूं फेसबुक पे आप पेज बनता है, उस पर अपनी पिक्चर्स जोड़ोगी, ऑफिशियल पेज बनेगा, उस पर नाम रखना होगा। फिर आपको अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको एक अपना ऑफिशियल नाम रखना होगा ताकि उससे आपकी पहचान हो। अपना पर्सनल नेम नहीं रखे, कोई बिजनेस का नेम या उस हिसाब से, जैसे फैसाई ट्रेडर्स हो, मेमुना एंटरप्राइजेस या कोई भी आपने रख लिया, ARK फैशन, FK फैशन, या जो आप फीड सेलेक्ट करते हैं। फीड सेलेक्शन पे एक बहुत डिटेल वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा बड़ी फीड है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसका बेसिक फ़ायदा ये है कि आप अपने घर को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं लेनी पड़ रही, कोई ऑफिस नहीं बनाना पड़ रहा। मोबाइल सबके पास होता है, कंप्यूटर लैपटॉप भी आजकल होता है, ना भी हो तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन हो उससे आपका काम हो जाता है। इंटरनेट आजकल हर घर में होता है, नहीं भी हो तो मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह में बहुत चीप पैकेजेस पे इंटरनेट अवेलेबल है। तो इसके अलावा हमें अपने वीडियो को आगे ले आते टॉपिक को कि इंटरनेट अर्निंग्स तो बहुत सारी है। एक तो सिंपल प्रोडक्ट्स, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट्स को सेल करें, इर्द गिर्द के प्रोडक्ट्स देखें, इन्फॉर्मेशन लें। या इससे भी एक ईजी तरीका है कि आप फेसबुक ज्वाइन करेंगे, इधर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें लोग अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस कर रहे होते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे पहले डील कर ले, बातचीत कर ले कि सर हम आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमको ऑर्डर आएगा, आपको डिलीवर कर देना। इसमें यह है कि आपको सिर्फ बीच का प्रॉफिट मिलेगा, आपने उनकी पिक्चर्स ली, आगे सेंड कर दी अपने कॉन्टैक्ट से, उसमें ऑर्डर आया, उनको ऑर्डर दिया और उनके उनसे ऑर्डर मंगवा के आगे डिलीवर कर दिया। यहाँ इसमें ऑनलाइन में ये बाज़ लोग बोलते हैं यार पेमेंट कैसे दूंगा मैं, उससे ऑर्डर होगा तो फिर पैसे कैसे देगा या कैसे लेगा, फिर वापस नहीं करेगा, ऑर्डर दे के नहीं लेगा। ये एक मसले मसाई थोड़े हैं ऑनलाइन में, ज़ाहिर बात है एक चीज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रॉपर्टी, वरना बिजनेस के तो बहुत सारे रूल्स है कि प्रॉपर्टी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा माल हो, फिर शॉप हो रनिंग, उसके अलावा आपको सप्लाई चेन। लेकिन यार थोड़ा बहुत रिस्क तो कारोबार में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आपने ये है कि उनसे प्रोडक्ट्स ले लिया, फिर आप देंगे कैसे? सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई है ऐसा बंदा, बाइक राइडर है, आपका भाई हो, छोटा हस्बैंड हो या कोई भी और हो, वो डिलीवर कर सकेगा तो आपको सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा, बाइक पे चीप रहता है। वो एक टाइम बना लें आप अपना कि रात को या सुबह डिलीवरी का टाइम होगा। अगर आपने बिज़नेस प्रॉपर थोड़ा चल गया है, आपके पास मुख्तलिफ इलाके के ऑर्डर्स आ गए, तो इलाके वाइज सिलेक्शन कर लें यार, आप 2-3 दिन का उनको टाइम दे कि 2-3 डेज़ में आपको डिलीवर कर देंगे विद इन सिटी। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप या कराची हो या अगर आप दुनिया में कोई भी शहर में हो, अपने सिटी के हिसाब से ये पहले स्टार्ट करें, फिर आउट ऑफ सिटी पे कन्वर्ट हो। आउट ऑफ सिटी का में आपको पाकिस्तान पोस्ट डिलीवरी, उस पर एक पूरी वीडियो आएगी किस तरह आपको भेजना है। इसको अब मैं आपसे सिंपल एंड शॉर्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग ऑनलाइन बिजनेस में। अब ये मैंने आपको पहले टॉपिक पे वीडियो है कि सिंपल जो हर घर में छोटा अपराध ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले, फिर ब्रॉडकास्ट बनता है व्हाट्सएप पे, ज़्यादा लोगों को एक साथ सेंड करें। या सबसे ईजी ये है कि आप कोई कॉमन चीज़, पहले कॉमन चीज़ को सेलेक्ट करें कि मार्केट में वो हमेशा अवेलेबल होती है लेकिन मशहूर होती है, उसके ताकि अगर एक के पास आपको नहीं मिलती ऑर्डर आता है तो आप किसी और से भी वो परचेज़ करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। शुरू में प्रॉफिट को ना देखे, कम ज़्यादा ये होगा कि बहुत दफ़ा सीज़न आता है तो एक ही चीज़ के 10-12 ऑर्डर जमा हो जाते हैं और लोकेशन करीब करीब होती है। ऐसे अगर आप एक एरिया से निकले उसके इर्द गिर्द होगी, आपने रात को सारी चीज़ें पैक कर ली उनका और उनसे कन्फर्म कर लिया ऑर्डर व्हाट्सएप पे, उनको एक वीडियो भेज दी पिक्चर, आपका ऑर्डर रेडी है, कल डिलीवर हो जाएगा। कन्फर्मेशन कॉल ज़रूर किया करें ऑर्डर से पहले कि वाकई आपको ऑर्डर कन्फर्म है, हम साइट पे कर दे। और ऑनलाइन ऑर्डर में ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी को पसंद करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को COD भी कहते हैं। COD कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि हम आपका आप उसको ऑर्डर देंगे और वो आपको पैसे देगा।
हमेशा अपने ऑर्डर्स को पैक करके रखा करें। तो बाद लोग होता है कि गेट पे खोल के उसको चेकिंग वगैरह करते हैं, फिर एंड टाइम पे स्लिप हो जाते हैं, उससे थोड़ा आपका इम्प्रेशन भी अच्छा ना हो। प्रॉपर पैक करके फिर उनको डिलीवर करें, पार्सल डिलीवर होगा उसी वक्त उनसे पेमेंट ले लें। ये आपका एक ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो ऑर्डर डिलीवर के बाद आपको करना क्या होता है कि ऑनलाइन अर्निंग्स का फर्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके अलावा आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में अगर आप थोड़ा एडवांस सेटअप में जाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सेलर्स को चांस देती है कि आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इधर हमारी वेबसाइट पे। जी वेबसाइट पे सेल करते हैं तो उसमें ये है कि आप सेकंड पार्टी को अपना प्रोडक्ट दे देते हैं और वो आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर देता है। इसमें यह है कि इसमें भी आप ऑनलाइन सेलिंग के हिस्सा होगा। इसमें यह है कि आपके पास अगर एक दफ़ा कोई होलसेल मार्केट सर्वे करके एक चीज़ अच्छे रेट में परचेस कर ली और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो लोग अपने लोगों के प्रोडक्ट्स लेके सेल करती है, ऑन अप्रूवल भी लेती है, और अगर आप उनको अच्छे रेट देंगे तो वो आपके प्रोडक्ट कैश पे परचेस कर लेती है और उनको उस पर भरोसा हो कि ये प्रोडक्ट हम सेल कर लेंगे। तो इस ये एक ऑनलाइन सेलिंग का सेकंड पार्ट है जिसके बाद इन्वेस्टमेंट है। लेडीज़ और जेंट्स और मार्केट गए होलसेल मार्केट में बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बहुत कम रेट में दे देते हैं इंपोर्टर वगैरह, उनको स्टॉक खाली करना होता है या अच्छे रेट का आइटम सेलेक्ट कर लें। पहले वेबसाइट सर्वे कर लें कि इसमें ऑनलाइन सेलिंग के बहुत सारे फेवरेट आइटम है, उस पर एक नई वीडियो बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको हर चीज़ इसकी स्टेप बाय स्टेप पता चले। बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, ख़त्म नहीं होगा। अभी नए लोग हैं उनको इंट्रोडक्शन में यही बताना चाह रहा था कि भाई हाँ सेकेंड पार्टी किस तरह से ऑनलाइन सेलिंग क्या होती है, सेकेंड पार्टी को आपको किस तरह देना है। मैं बात पे वापस कंटिन्यू करता हूँ कि आप उसको चीज़ें परचेस करके उनको दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैं कैसे दे सकता हूँ, कौन है ये है जानने वाला, तो बहुत सारी मशहूर वेबसाइट है। उसमें सबसे मशहूर Daraz.pk है, इसके अलावा TCS वालों की एक वेबसाइट है, Lenovo है, इसके अलावा एक और वेबसाइट है हाउस शॉपिंग होम शॉपिंग, उनमें सेलर अकाउंट बढ़ते हैं। ये थोड़ा प्रोफेशनल वे में हो गया। अगर प्रोफेशनल वे में आप बाद में मैं जाता हूँ छोटे पैमाने पे है तो इर्द गिर्द में ये भी होता है कि बहुत से लोग फ्रेंड्स फैमिली में ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होते हैं, उनको तजुर्बा होता है, आप उनको अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं कि यार मेरे प्रोडक्ट के पास भी अच्छे आइटम है अच्छे रेट के, उनको पिक्चर्स भेजें, आपके पास ऑर्डर आए तो मैं आपको डिलीवर कर दूँगा, आप बाकी उसकी जो प्रोसेस आप करें आप मेरे को पेमेंट दे दें। तो ये भी एक ऑनलाइन अर्निंग का हिस्सा है। इसके अलावा इंटरनेट ऑनलाइन अर्निंग बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें एक तो सबसे मशहूर फील्ड आ गई आपकी YouTube पे वीडियोस आते हैं अर्निंग यूट्यूबर, वो तो बहुत आगे प्रोफेशनल आगे वो एक डिफरेंट है, वो हर कोई नहीं कर सकता, उस पर अलग मेहनत है। फिर ऑनलाइन में आप आगे इंटरनेट अर्निंग में आपके पास आ गया कि जैसे ये प्रोडक्ट्स आ गए थे कि हमने बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंटरनेट ऑनलाइन अर्निंग में आप पता भी नहीं चलता कि आप लोग आपसे अर्निंग कर रहे हैं, गेम्स बना ली एप्स बना ली। ये इसके अलावा आपको स्ट्रीमिंग में पैसे मिलते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम है जो कि एक आर्टिस्ट का प्रमोट करते हैं, ये प्रोफेशनल वे के प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के। इस पर एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता मैं आपको, इसलिए मैं अभी आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको मैं ख़त्म करता हूँ। और इसमें आपको बताने का मकसद है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में जो एक सिंपल स्टेप मैंने आपको बताया कि स्टार्ट आप इससे करें, व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाएं, उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स की पहले तो प्रोडक्ट सर्च करें, पिक्चर्स खरीदे नॉर्मल प्रोडक्ट से शुरू करें, उसके बाद अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स में आपको रिजल्ट आए तो व्हाट्सएप पे मज़ीद कॉन्टेक्ट करें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये करना है कि आप चाहते हो कि मेरा वे ऑफ कस्टमर बढ़े तो अपने उसी को फेसबुक अकाउंट से शेयर करें, रेड के साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और अपने आप उन कस्टमर्स को अगर चाहते हैं कि मैं डिलीवर नहीं करूं रेट ऐसे रखे, उनको आप अपने पॉइंट पे भी बुला सकते हैं, दुकान पे ऑफिस पे घर पे भी बुला के दे सकते हैं, लेकिन अगर करीब में हो तो डिलीवर कर सकते हैं। आजकल राइडर्स अवेलेबल हैं बहुत सारे विद इन सिटी, राइडर्स को भी कॉन्टेक्ट करने मैं आपको एक वीडियो में राइडर्स के भी कुछ नंबर वगैरह प्रोवाइड करूँगा और कि किस तरह राइडर्स दराज कर सकते हैं। बाइक या करीम के भी राइडर्स हैं, उनका भी डिटेल प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में एक वीडियो में काम नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड इंटरनेट अर्निंग क्या क्या होती है। इसके साथ ही वीडियो को अभी फिनिश करते हैं क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते आपको, वरना आप लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऑनलाइन अर्निंग आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करना और उस मोड ऑफ पेमेंट ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी भी है, लेकिन एडवांस पेमेंट भी होता है अगर आउट ऑफ सिटी वगैरह हो तो उसमें आप एडवांस पेमेंट को प्रेफर करें वो ज़्यादा बेहतर है, तो मुख्तलिफ स्कैम फ्रॉड्स भी इसमें बहुत है। तो इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, एक बार फिर हाजिर होंगे AF Trader Wholesale Business Idea में नई वीडियो नई वैरायटी के साथ।
अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखना अल्लाह।